हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ चैप्टर इन एसएसटी। कम ऑन चैप्टर 2.03, द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट्स। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया को 28 स्टेट में और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है। वी हैव अ गवर्नमेंट दैट रन द कंट्री। हमारे पास एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है जो हमारी कंट्री को चलाती है, जो हमारी कंट्री को देखती है। वी हैव ऑल्सो गवर्नमेंट टू रन द स्टेट। इसके अलावा हमारे जो स्टेट हैं उनके लिए भी अलग से गवर्नमेंट है जो हमारे स्टेट को चलाती हैं। द गवर्नमेंट दैट रन द कंट्री इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री को चलाती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी होती है उसका जो हेड है उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ही हैज़ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प हिम। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एक मिनिस्टर की काउंसिल होती है, यानी कि एक मंत्री का मंडल होता है जो उन्हें हेल्प करता है। द हेड ऑफ दीज मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इनमें जो हेड होता है, इनका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लुक एट हियर, यहाँ आप देख रहे हैं ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये सारे मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इनके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर के जो हेड होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अ प्लेस विच इज़ द सेंटर ऑफ अ कंट्री गवर्नमेंट इज कॉल्ड इट्स कैपिटल। एक जगह है जो हमारी कंट्री की जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका सेंटर है, मतलब जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के सारे वर्क होते हैं वो उसका कैपिटल कहलाता है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो न्यू दिल्ली है, जो नई दिल्ली है, वो हमारा कैपिटल है, मतलब इंडिया का कैपिटल है। वी कॉल इट नेशनल कैपिटल। हम इसे नेशनल कैपिटल भी कह सकते हैं और राष्ट्र की राजधानी भी कह सकते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेज इन द नेशनल कैपिटल। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो और भी अदर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, उन सबके जो हेड ऑफिस होते हैं वो सारे हमारे नेशनल कैपिटल के अंदर ही होते हैं, यानी दिल्ली के अंदर ही होते हैं। नाउ टर्न योर पेज। वी नो दैट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। हम जानते हैं हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ा देश है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट लुक इन टू द ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो सरकार है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो अकेले हमारी कंट्री को, हमारे कंट्री के जो भी अफेयर्स हैं उनको अकेले नहीं देख सकती, मतलब हमारी जो कंट्री है उनको अकेले नहीं संभाल सकती। सो वी हैव डिवाइडेड कंट्री इंटू स्टेट। तो इसलिए हमारी जो कंट्री है उसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। हर स्टेट का अपना एक अलग गवर्नमेंट होता है, कॉल द स्टेट गवर्नमेंट, और उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो उसी तरह से बनता है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। द हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द गवर्नर। जो हमारा हेड होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का, उसे गवर्नर कहते हैं। ही हैज़ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प हिम। इसके पास भी मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है ताकि वो इन्हें हेल्प कर सके। द हेड ऑफ दीज मिनिस्टर इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। और जो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। और हर स्टेट का अपना एक कैपिटल होता है, अपनी एक राजधानी होती है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेज इन देयर स्टेट कैपिटल। अब जो हमारे गवर्नमेंट हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन सब के जो ऑफिसेज होते हैं वो इनकी अपनी अपनी स्टेट के जो स्टेट का जो कैपिटल होता है उसके अंदर होते हैं, मतलब सारे स्टेट की जो राजधानी होती है उनके जो हमारे जो गवर्नर हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन सब के ऑफिसेज राजधानी में ही होते हैं।
सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट। हमारी कंट्री का कुछ पार्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता है, दे आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, तो वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है, मतलब वहाँ पे हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका अधिकार हो जाता है। सच पार्ट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरीज, उन पार्ट्स को यूनियन टेरिटरीज कहा जाएगा जिन पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है, तो उन पे जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अपना अधिकार जमाती है, तो वो यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ईच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल, जिस तरह से स्टेट का अपना कैपिटल होता है, कंट्री का अपना कैपिटल होता है, उस तरह से यूनियन टेरिटरीज का भी अपना कैपिटल होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। यहाँ आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सब के नेम दे रखे हैं विद उनकी कैपिटल के साथ कि उनकी राजधानी कौन सी है। लुक, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, आसाम की है दिसपुर, बिहार की है पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पानाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर या जम्मू, झारखंड रांची, कर्नाटका बैंगलोर, केरला त्रिवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई। इसके अलावा मणिपुर में मणिपुर जो स्टेट है उसका कैपिटल है इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सिक्किम की है गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं हमारे, 29, तो ये हमारे 29 स्टेट्स हैं विद देयर कैपिटल। अब हम रीड करेंगे यूनियन टेरिटरीज, मतलब उनके कैपिटल कौन से हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, दादरा एंड नागर हवेली दिस इज सिलवासा, दमन एंड दीव दामन, लक्षद्वीप कावरत्ती, पौंडीचेरी एंड दिल्ली का दिल्ली। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। वी विल सेंड यू वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर एंड जो वर्कशीट का जो वर्क है वो आपको अपने असिस्टिंग नोटबुक में करना है। ओके बाय स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।